हमीरपुर जिला के सुजानपुर कस्बे में मौजूद ऐतिहासिक मुरली मनोहर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत मूर्ति में छिपे हैं कई राज। कटोज वंश के राजा संसारचंद के जमाने से स्थापित मुरली मनोहर मंदिर आज भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर की खासियत को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मुरली मनोहर मंदिर में सैकड़ों साल पहले से श्री कृष्ण की मूर्ति पर बांसुरी विपरीत पकड़ी गई है। यूं तो अक्सर आपने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में बांसुरी को सीधी दिशा में बजाते हुए देखा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर टिहरा में एक ऐसा श्री कृष्ण का मंदिर मौजूद है जो मुरली मनोहर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में कटोच वंश से ही होली मेले का आगाज श्री कृष्ण और राधा रानी को गुलाल लगाकर किया जाता है और महाराजा संसारचंद के साथ रानियां ऐतिहासिक चौगान में होली खेलती थी और आज भी करीब 400 साल से चली आ रही परंपरा को निभाया जाता है और मंदिर से ही विधिवत पूजा अर्चना करके राष्ट्र स्तरीय होली का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। ये जो है मुरली जो है प्राचीन समय में जो है 1905 से पहले की बातें हैं। ये तो हमने भी बातें सुनी, बुजुर्ग लोग कहते थे कि जो मुरली है अपने आप सज्जे से खब्बे तरफ को चली गई थी, जो कि मतलब भक्तों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के बात कही गई थी कि भगवान में मूर्ति है, पत्थर है, कब मूर्ति है, इस प्रकार से कई प्रकार की चर्चा होती थी। तो जो पुजारी थे प्राचीन, तो उन्होंने कहा कि मूर्ति जो है इसका प्रमाण आपको कल सब सारे समाज को मिल जाएगा। तो कहते कि अपने आप बंसरी जो है दूसरी तरफ को घूम गई थी, तो इसका जो है पूजन करने मात्र से कई पाप नष्ट हो जाते दुनिया के। नमस्कार जी। स्थानीय निवासी राजन मेहता ने बताया कि मुरली मनोहर मंदिर 1 लाख टकिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका निर्माण महाराजा संसारचंद के समय में 1 लाख रुपए से करवाया गया था, जिसको देखकर उस जमाने की याद ताजा हो जाती है। उन्होंने बताया कि मंदिर के अंदर बेहतरीन नक्काशी की गई है और मंदिर की सजावट इस तरीके से हुई है कि भक्त जन आकर भक्तिमय हो जाते हैं। जो बड़े बड़े गोविंद हैं वो देखने के लायक हैं, जो कलाकारी इसमें महाराजा संसारचंद द्वारा की गई है वो अत्यंत ही अद्भुत है। इस मंदिर में विशेषता ये है कि ये मंदिर लाख रुपए द्वारा राजा संसारचंद द्वारा बनाया गया था और दंत कथा के अनुसार इसे लखे का मंदिर भी इसे कहा जाता है। इस मंदिर के अपने आप एक जो अद्भुत घटना इस मंदिर में जो घटी थी, जब राजा संसारचंद ने ये महल बनकर तैयार हुआ था, तो इस मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मंदिर के पुजारी ने महाराज संसारचंद को आमंत्रित किया, तो महाराज संसारचंद ने मंदिर द्वार पर जाकर कहा था कि इस मंदिर की प्राण इस मूर्ति में डले हैं कि नहीं, इसको सिद्ध करने के लिए महाराजा संसारचंद ने मंदिर के पुजारियों से कहा कि मंदिर में यदि प्राण प्रतिष्ठा भगवान के अंदर होती है तो मुझे इस बात का सबूत चाहिए, यदि नहीं हुआ तो मैं आपके द्वारा आपको दंडित करूंगा। तो रात भर पुजारियों ने सोचकर सारी मतलब जो राजपुरोहित थे वो बहुत ही संकट में आ गए। जब सुबह उठे तो मंदिर की आस्था के आगे भगवान, जब कला प्रेमी थे राजा संसारचंद, उनके माध्यम से और उनका लगाव जो भगवान की तरफ था, तब सुबह उठे और मंदिर के पुजारियों ने जब भगवान के दरबार खोले नियमानुसार, तो उन्होंने पाया कि भगवान की जो बांसुरी थी वो उल्टी दशा में विराजमान हो गई थी, और जिसको देखकर सब लोग हैरानी जताना शुरू कर गए थे और नगर में चर्चा का भी विषय बना। क्या आज भी वो वैसी विद्यमान है मूर्ति? आज भी अगर आप देखें तो वो मूर्ति आज भी वैसे की वैसी, जो मुरली मनोहर मंदिर की उल्टी दिशा में जो बांसुरी लगी हुई है वो आज भी वैसी की वैसी जो मूर्ति है वो लगी हुई। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर का करें आकलन, उठाएं नागरिक की आवाज और बताएं क्या आपका धर्मशाला शहर जीवन यापन की दृष्टि से उत्तम है या नहीं, जिसके आधार पर पेश किया जाएगा ईज ऑफ लिविंग एवं नागरिक अनुभव का रिपोर्ट कार्ड। तो आप भी ईज ऑफ लिविंग परसेप्शन सर्वे में भाग लेकर शहर के प्रति अपना विचार साझा करें। तो उठाए अपना फोन और बार कोड को स्कैन करके कहे अपने दिल की बात। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.lifetimes.tv।